नमस्कार नहीं बस कहना शुरू करता हूं, क्योंकि अब आंखों के सामने जिंदगियों को खत्म होते देखता हूं। आज इंसान तो बेबस है, पर सरकार क्या कर रही है। मध्य प्रदेश जो देश का सबसे शांत प्रदेश था, आज वो मातमों की चीख से भरा पड़ा है। पर यह चीख प्रदेश की सरकार के कानों तक क्यों नहीं जा रही, ये बड़ी बात है। जब प्रदेश में दोबारा कोरोना अपने पैर पसार रहा था, तब मुख्यमंत्री और प्रदेश के सारे मंत्री दमोह और बंगाल चुनाव में अपना टाइम गुजार रहे थे। एक ऐसी सीट को जितवाने में प्रदेश सरकार लगी हुई थी, जिसके जीत और हार से प्रदेश सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। पर शायद हार के बाद दिल्ली में खिंचाई जरूर हो जाती, लेकिन प्रदेशवासियों की क्या गलती थी जो मौत के मुहाने पर उन्हें खड़ा कर दिया। लगता है इस समय सरकार के लिए जीने मरने के प्रश्न से कहीं ज्यादा जीत हार का प्रश्न जरूरी है। मुझे याद है जब भोपाल में पहला केस पिछले साल एक पत्रकार और उसकी बेटी के रूप में मिला था, तब हम डर गए थे। आज तो भोपाल और इंदौर में रोज 1600 से अधिक केस आ रहे हैं, 10,000 से अधिक लोग रोज प्रदेश में कोरोना की चपेट में। मौत तांडव कर रही है, किसकी? नाकामियों की वजह से। प्रदेश में समय रहते लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं प्रदेश की सीमाओं को समय रहते बंद किया? क्यों कोविड की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया? क्यों आपके मंत्री मास्क लगाकर नहीं घूमते थे? क्यों आपने जनसभाएं की? क्यों आपने रैलियों में भीड़ को एकत्रित किया? क्यों आपने बड़े बड़े मेलों को 2 से 3 हफ्ते लगने की छूट दी? क्यों आपने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया? इन सवालों के जवाब आपको देना होंगे। क्यों अब मौत हर घर के दरवाजे पर खड़ी है? शमशानों में लाशों के ढेर के सामने लकड़ियां कम पड़ी हैं। बेबसी इतनी कि चंद सांसों के लिए अस्पताल के बाहर लंबी लाइनें खड़ी हैं। फिर भी आपको राजनीति की पड़ी है? एक पौधा ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं भरता जनाब, ये कब समझेंगे आप? अरे मेरे प्रदेश के नेताओं, आपको वोट देने वाला भी 18 साल करता है इंतजार, फिर क्यों मौत की बेबसी के साथ है ये इंतजार? अस्पतालों में जगह नहीं है, हाथ पैर जोड़ो, पैसा खर्च करो। भर्ती हो भी गए तो ऑक्सीजन नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं, आईसीयू नहीं, वेंटिलेटर नहीं, टेस्टिंग भी कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी बंद है। फिर क्या किए आपने इंतजाम? शमशानों में लकड़ी नहीं, कब्रिस्तानों में मिट्टी नहीं, घर में दाना नहीं, अस्पताल में दवा नहीं, कालाबाजारी तुमसे रुकती नहीं, और इतने लाचार हो आप कि जीवन रक्षक इंजेक्शन भी आपकी नाक के नीचे से चोरी हो गए और आप देखते रह गए। अरे अब तो मेरे प्रदेशवासियों के काम आओ, मत खेलो लोगों की जिंदगी से, क्यों इन्हें अकेला छोड़ रहे हो? अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मेरी बात मान लो, सभी अस्पतालों को सरकार के अधीन करके प्रदेश के लोगों का इलाज करवाओ। ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर और टेस्टिंग की संख्या बढ़ाओ। फिर से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर ध्यान लगाओ। मेडिकल टीम को घर घर भेजकर संदिग्ध लोगों का इलाज करवाओ। फ्री में N95 मास्क का वितरण कराओ। ये तुम्हारे अपने हैं, इन्हें अब तो बचाओ। बंगाल से सभी मंत्रियों को वापस बुलाओ। नेताओं की छुट्टी अब कैंसिल करवाओ। मेडिकल अमले को अब बढ़ाओ। सरकारी फाइलों में नहीं, जमीनी हकीकत में कुछ तो कर दिखाओ, नहीं तो जनता कहेगी इस आफत में कोई चौकीदार काम नहीं आया, बल्कि हमारा रहनुमा ही हमें मामू बना गया। अंत में इतना ही, बचा लो इन्हें, बचा लो जो जिंदा है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।